वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो इस समय बज रहे हैं दोपहर में 1:45, यानी कि 1:45। बहुत लोग 1:45 नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम उसको 1:45 हो रहे हैं। यहाँ पर सारे काम वाम सब फिनिश हो गए हैं और गर्मी काफ़ी लग रही थी, इसलिए मैंने अपना सारा पसीना सुखा करके थोड़ा सा फ्रेश फील किया, तब मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। तो आज है, मैंने सोचा कि चलो आपसे बता देते हैं कि कल है कुछ स्पेशल डे। वो क्या है? वो है वट सावित्री व्रत। तो कल मेरा व्रत है वट सावित्री का, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ आज इसके बारे में आपसे बता देते हैं, क्योंकि कल के वीडियो में तो फिर टोटल मैं पूजा के समय की सारी वीडियो रहेगी, तो उसमें कब हम आपको बताने लगेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैंने सोचा आज आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूँ। तो वट सावित्री व्रत हम जब करते हैं तो उसे बहुत जगह पे, हमारे यहाँ भी उसे बरगदाही कहते हैं, बहुत लोगों के यहाँ बरगदाही कहते हैं, बहुत लोग वट सावित्री का व्रत ही कहते हैं। तो इसमें जो पूजा होती है वो बरगद के पेड़ के नीचे होती है। तो हमारे यहाँ भी घर के सामने बरगद का पेड़ है, काफ़ी पुराना अभी नहीं है, अभी नया नया ही है, तो हम लोग उसी में जाते हैं। यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पे रहा जाता है वहाँ तो बहुत सारी औरतें रहती हैं, जो एक महीने पुरानी दुल्हन भी होती हैं वो भी जाती हैं, इस व्रत को ज़रूर करती हैं। तो ये व्रत होता है अपने घर की परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, अपना सुहाग बना रहे, बच्चों की मतलब जीवन में हमेशा सफलता आए, उनकी हमेशा तरक्की हो, तो इसी सब की मनोकामना से हम लोग ये व्रत करते हैं। तो अब बात करते हैं कि व्रत में हमें क्या क्या करना होता है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी सी तैयारी हमें आज ही से शुरू कर देनी होती है, जैसे कि रात को हम चना भिगो देंगे इसमें, वो जो काले वाले चने होते हैं उसको हम भिगो देते हैं, और कच्चे धागे से नहीं तो वैसे नॉर्मल जो कपड़े जिससे हम सिलते हैं, तो उस रील से हमें बनानी होती है 2 माला। एक्चुअली बात ये है कि 2 माला, जैसे कि अगर आई चांस आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप क्या करें, कोई टेंशन नहीं, आप गाय के गोबर की गौरी बनाते हैं, उससे आप अपनी माला एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 माला बनाऊँगी, एक गौरी माता के लिए बनाऊँगी, एक अपने लिए बनाऊँगी, एक अपने लिए थोड़ी सी बड़ी गौरी माता बनाएंगे गाय के गोबर से, छोटी सी, तो छोटी सी उनके लिए माला। तो ये माला बनाने में क्या करना है, हमें राउंड्स के, हमें एक लंबी सी जिससे कि हमारे गले में चली जाए, तो बस ऐसे हमें माला बनाना दिखाते हैं। और रही बात कि इसमें लगता क्या क्या है, इसमें फल में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, सीजन के जो भी फल हैं। और आप सोच रहे होंगे कि क्या खाने लगी दोपहर को, और इसकी क्या भूख लग गई क्या? नहीं, भूख नहीं लगी है, खाना तो हम लोगों ने 11 बजे ही खा लिया था, लेकिन एक्चुअली नमकीन बनाई है मैंने कल, बहुत टेस्टी नमकीन है ये, अभी ज़रूर ट्राई करना, इसकी रेसिपी हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, अभी लास्ट में आपको इसकी रेसिपी बताएंगे। मार्केट की नमकीन जितनी भी होती है आप थोड़ा सा खाते हो आपका मन भर जाता है, लेकिन बिलीव मी गाइस, सच बताऊँ ये नमकीन ना खा के मन नहीं भरता है, जितना भी आप खाते रहो बस टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और उसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा भाई हम जीभ को स्वाद देना है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी सी मेहनत, छोटी सी मेहनत करनी है, बाकी कोई मेहनत नहीं है, बहुत टेस्टी होंगे, बच्चे भी बहुत खाते हैं, मांग भी रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए लाई है मैंने, लेकिन मैंने सोचा पहले थोड़ा सा मैं खा लूँ, तभी कभी कभी होता है दोपहर को कुछ खाने का मन करता है। तो मार्केट के कंपेयर में तो परफेक्ट है मेरे नज़रिए से, आप भी इसको रेसिपी अभी देखिएगा और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, और तब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये नमकीन कैसे लगी। फिलहाल इसे हम दे देते हैं बच्चों को। तो हम कहाँ पे थे, हम थे पूजा के सामान में, तो सीजन के फल आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मस्त मेलन भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो क्या करना है कि रात को हमें इसमें चने भिगोने हैं और आज ही माला बनाना है, बाकी सुबह उठ के सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे, उससे हमें बनानी है 14 पूरियाँ नहीं लगती हैं, इसमें लगेंगी बरगदाही का मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं सब 12 12 होती हैं, तो पूड़ियाँ भी जैसे लेयर में चढ़ाते हैं इसको, तो 12 और 12 कितनी हो गई 24 यानी 24, तो इसमें हमें लगेगी 24 पूड़ियाँ। तो आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा सा हम मीठा डाल देंगे, थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे, नहीं गुड़ डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, तो इसकी हम लोग 24 पूड़ियाँ बना लेंगे छोटी छोटी। उसके बाद उसी आटे से छोटी छोटी सी गोलियाँ ऐसे गोल गोल करके हमें तलनी है, इसकी कोई गिनती नहीं होती, इसको आप अपने हिसाब से तल लीजिए, जैसे वहाँ पे आप पूजा करते हो, बहुत बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रसाद देना होता है,
तो बाकी अंदाज की ऐसे थोड़ी सी आटे की बना ली जाती है गोलियाँ छोटी छोटी सी। ये इसलिए बनती है कि जो बरगद का फल होता है वो ऐसी छोटी छोटी सी गोलियों ऐसे नन्ही नन्ही सी गोलियाँ होती है, तो उसी के रूप में ये बरगद का फल बनाया जाता है। मसाला बनाई है, इसे हमें हल्दी के थोड़े से घोल में हमें इसको जो है डिप कर देना है, उसका कलर हल्दी के कलर का कर देना है, कुल मिला के उसे हमें हल्दी में लपेटना है। तो बस इसको रख देंगे, रात भर में ये सूख जाएगी, अगले दिन फिर इसे हम एक्सचेंज करेंगे 12 बार गौरी माता से, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें लगेगा, हमें अपने हाथों से बरगद के पेड़ पे 12 छाप देनी है। अब वो 12 छाप किस चीज़ से लगेगी, वो 12 छाप लगेगी चावल को हम भिगो देंगे, उसके बाद हम उसे मिक्सी में पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे गाढ़ा गाढ़ा सा, और उसमें मिक्स कर देंगे थोड़ी सी हल्दी। तो बस उसी से हमें अपने हाथ डिप कर करके 12 बार अपने हाथ के ऐसे छाप लगाने हैं। और तो बस ऐसे ही है, बाकी पूजा के सामान जैसे हर पूजा में लगते हैं वैसे ही करना है। और एक रील हमें अपने साथ ले जानी होती है, बरगद के पेड़ पे हमें फेरी करनी होती है इसको पकड़ते हुए 12 राउंड। तो बस बाकी के और क्या है, बस ये सब तैयारी कर लेंगे। तो मैंने सोचा आपको ये सब बता दूँ जिससे कि कल आप बस वीडियो में मेरी पूजा देखो और इन्जॉय करो। तो अब यहाँ पे मेरी बातें ख़त्म हो गई है, तो अब आप देख लीजिए नमकीन की रेसिपी, और नमकीन की रेसिपी देख करके उसको ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरे कहने से ट्राई करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नमकीन कैसी लगी। एक बार बिलीव मी गाइस, एक बार आप खा लोगे ना तो हमेशा बनाओगे और घर में ही इंजॉय करोगे उस नमकीन को। तो फिर यहाँ पर हम चलते हैं, आप नमकीन की रेसिपी को इंजॉय करिएगा, और मेरी नमकीन की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आप इंजॉय करिए नमकीन की रेसिपी में, बाय बाय। तो ये देखिए कल मैंने नमकीन बनाई थी, उसके लिए मैंने लिया था 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चावल का आटा और थोड़ा सा चूड़ा, इसे बहुत लोग पोहा भी बोलते हैं, और मैंने लिया था थोड़ी सी मूंगफली के दाने, और ये देखिए मेरे पास थी ताज़ी हरी करी पत्तियाँ, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है नमकीन में। तो बस सबसे पहले हमें परात में एक बेसन और चावल के आटे को मिक्स कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर दिया था, और इसमें डालने हैं हल्दी पाउडर, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा डाला धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद रेड चिल्ली पाउडर और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था। इसके बाद आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें करना है ये है चने की दाल, इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है, और उसके बाद एक छन्नी में इसका सारा पानी निकाल के हमें एक मोटी सी टॉवल पे इसे फैला देना है, और जब तक हम सारे नमकीन की प्रोसेस करेंगे इसे तब तक के लिए हमें मोटी तौलिया के बीच में रख के ऐसे टैप टैप करके पानी सुखाने के लिए रख देना है। तो ये यहाँ पर मैंने कर दिया इसे, अब तब तक मैं नमकीन की और सारी प्रोसेस करूँगी तब तक इसका पानी सब सूख जाएगा। तो ये देखिए आटा मैंने यहाँ गूँथ लिया था, अब गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, और इसके बाद मैंने इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल, हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे, आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल नमकीन मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तब तक तेल गरम कर होने दें, और अपने हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद इस आटे को हमें छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लेना है। अब रही बात कि हम नमकीन को हम बनाएंगे किससे, मेरे पास तो नमकीन बनाने का झन्ना है नहीं, तो चलिए आपको बताते हैं कि हम इस नमकीन को बनाएंगे किससे। इसको बनाने के लिए हम जिस औजार का यूज करने जा रहे हैं आज, अभी उसे देख कर आप कहोगे वाह घर में तो ये सबके ही मिलता है, तो वो चीज़ है ये, इसे तो आप जानते ही होंगे, चाय बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं अदरक को घिसने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं इसमें से एक बॉल को, और अपनी सारी कार्यवाही पर हम नज़र डालते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मेरा फर्स्ट प्रोसेस है कि तेल को देखना है कि गर्म हो गया है कि नहीं हो गया है, बस यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए शुरू हो जाती है हमारी स्टेप्स नंबर 1। ये देखिए हमें बॉल्स को ले करके बस ऐसे तेल के ऊपर हाथ करके, कढ़ाई के ऊपर हाथ लगाते हुए डायरेक्ट तेल में हमें अपने बॉल्स को रगड़ते हुए इसको छानना है। तो ये देखिए यहाँ पर तेल एकदम फुल फ्लेम पे होना चाहिए, नहीं तो नमकीन हमारी कड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए अब इसे हम फुल फ्लेम पे निकाल लेंगे,
ये देखिए सेव हमारी फुल फ्लेम पे बढ़िया करारी करारी क्रिस्पी क्रिस्पी सी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक दूसरी छन्नी पर निकाल लेंगे एक बर्तन के ऊपर रख के, जिससे इसका एक्स्ट्रा जो तेल होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें अपने सारे आटे की जो लोइयाँ बनाई हैं, बॉल्स बनाई हैं, उसकी ऐसे ही सेव बना लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ सारी सेव निकाल ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हमें मूंगफली के दाने को अच्छे से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मूंगफली के दाने भी रेडी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर जो लिया था चूड़ा यानी कि पोहा, इसे भी थोड़ा थोड़ा करके दो बार में हम इसे तल लेंगे। ये देखिए मैंने एक बार डाला, इसको डालने के बाद इतना अच्छा लगता है कि आपको क्या बताएं, डालते ही कैसे खिलखिला के ये निकल आते हैं। तो बस इसी तरह से सारे हमको पोहा तल लेने हैं। तो बस ये देखिए चूड़ा यानी कि पोहा और सेव मेरी तैयार है, मूंगफली के दाने भी तैयार हैं। अब हमें इस करी पत्ते को भी अच्छे से तल लेना है बढ़िया कुरकुरा क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक। ये देखिए मैंने डाल दिया है, अब ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएगा, तो बस इसे भी निकाल लेना है। तो बस करी पत्ते भी मैंने यहाँ तल लिए थे। अब आती है बारी इस चना दाल की। देखिए इसका पानी बढ़िया से सारा सूख चुका है, जब तक मैंने सारे प्रोसेस किए इसका सारा पानी सूख चुका है। हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया एक बर्तन में। अब इसे हमें आधा आधा तल लेना है। तेल आपकी कढ़ाई में जितना हो उस हिसाब से, मेरी कढ़ाई में तेल थोड़ा सा कम हो चुका है तो यहाँ पर मैं आधा आधा डाल दूँगी। इसे बहुत तेज फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। और इसे लगभग तलने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, सबसे ज़्यादा टाइम इसको तलने में ही लगता है। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे तलते तलते ये देखिए ये बढ़िया से तल चुकी। जब ये तल जाएगी अच्छे से रेडी हो जाएगी तो थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, और आप जब इसे थोड़ा सा हाथ में लेकर ऐसे फोड़ोगे ना तो कुरकुरी सी आपको पता चल जाएगी कि बस ये हो गई है। तो बस इसी तरह से हमें और सारी चना की दाल दूसरी भी आधी जो बची थी उसको भी तल लेना है। तो ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चना दाल को भी मैंने तल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी परात में लेकर इस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे। तभी तो मैंने अलग अलग रखा था, पहले ही मुझे ये बर्तन ले लेना था बड़ा वाला, लेकिन नहीं ले लिया मैंने, भूल गई थी मैं इसे लेना। बाद में याद आया कि इसमें मिक्स करना है सब चीज़, तो बड़े से बर्तन में इकट्ठे लेके इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें हमें डालना है रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, मैंने बच्चों को भी खाना था इसलिए थोड़ी सी कम यूज़ की है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं काला नमक। काला नमक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे अपना फेवरेट वाला चाट मसाला। तो बस यहाँ पर नमकीन हमारी एकदम से रेडी है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सुना आपने कितनी अच्छी इसकी आवाज़ आई, कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ये देखिए सबसे पहले नमकीन जा रही है हमारे लड्डू गोपाल जी के पास, सबसे पहले वो खाएँगे, उसके बाद सारे लोग खाएँगे। तो बस देखा आपने नमकीन बनाना कितना इजी है, बस थोड़े से स्टेप्स करने और नमकीन बनके रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको नमकीन कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।